फिल्म मणिकर्णिका के सेट पर फिर घायल हुई कंगना। मशहूर अदकारा कंगना रनौत अपनी आने वाली फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी की शूटिंग के दौरान एक एक्शन दृश्य की शूटिंग के दौरान घायल हो गई। उनके टखने में चोट आई है। हालांकि प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई। इस फिल्म में वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका निभा रही हैं। टखने में आई चोट इन दिनों कंगना जोधपुर के मेहरानगढ़ के किले में फिल्म की शूटिंग कर रही हैं। वो एक ऐसा दृश्य फिल्मा रही थी जिसमें उनको 40 फुट की दीवार से कूदना था और घोड़े पर एक बच्चा भी उनकी पीठ पर बंधा हुआ था। इसी सीन की शूटिंग के दौरान मंगलवार रात दुर्घटना हुई। अभिनेत्री को तुरंत अस्पताल ले जाया गया और वहां उनके टखने की हड्डी में चोट का पता चला। देखिए मणिकर्णिका के लिए कैसी चल रही है कंगना की तैयारी, कंगना ने कहा। अब ठीक हूँ, कंगना ने अस्पताल में उपचार के बाद कहा कि वो अब बेहतर हैं। कंगना ने कहा, शूटिंग के दौरान ठोकर लगने से गिर गई और मेरे दाहिने टखने में चोट लग गई। कुछ भी गंभीर नहीं है, ये सिर्फ मूंछ थी। अभिनेत्री का उपचार करने वाले डॉक्टर पुलकित गोयल ने कहा कि कंगना को आराम की सलाह दी गई है। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उनको होटल ले जाया गया। वहां आराम करने के बाद वो दोपहर में मुंबई रवाना होगी। शूटिंग के दौरान पहले भी लगी थी चोट। इसी साल जुलाई में भी इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान वो घायल हुई थी। हैदराबाद में एक्शन सीन शूट करते वक्त कंगना के सिर पर चोट लग गई थी। बताया गया कि वो भी एक तलवारबाजी का ही सीन था। उनके सिर से खून निकल रहा था। अस्पताल ले जाने पर उन्हें 15 टांके लगे थे और उन्हें कुछ दिन अस्पताल में ही रहना पड़ा था। मणिकर्णिका अगले साल अप्रैल में रिलीज होने वाली है। ऋतिक कंगना विवाद, फरहान बोले लड़की न्याय में रुकावट डाल रही है।